एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। हिंदी और बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का किडनी फेल होने के कारण शुक्रवार देर रात बेंगलुरु में निधन हो गया। मिष्टी की उम्र महज 27 साल की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि मिष्टी की किडनी फेल होने का एक कारण कीटो डाइट भी थी। कहा जा रहा है कि कीटो डाइट के कारण मिष्टी की तबीयत बिगड़ गई थी। इस बारे में उनके परिवार की ओर से कहा गया, अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी, जिन्होंने कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, वो अब हमारे बीच नहीं रही। कीटो डाइट की वजह से बेंगलुरु में उनकी किडनी फेल हो गई और शुक्रवार देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्ट्रेस ने बहुत दर्द का सामना किया। ऐसे दुखद क्षति जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। निधन के बाद शनिवार को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मिष्टी ने साल 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद मिष्टी को साल 2013 में आई फिल्म मैं कृष्णा हूँ के एक गाने में रजनीश दुग्गल के साथ देखा गया था। इसके अलावा मिष्टी को साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान, मणिकर्णिका और ग्रेट ग्रैंड मस्ती में भी छोटे रोल में देखा गया था। मिष्टी कुछ आइटम नंबर्स में भी नजर आई थी। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिष्टी मुखर्जी अपनी फिल्मों से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से सुर्खियों में रही। मिष्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे। उन पर साल 2014 में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था। उनके घर की जब तलाशी ली गई तो वहां से कई सारी सीडियां और टेप बरामद हुई थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उन्हें हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में पकड़ा था। लोकमत हिंदी की तरफ से मिष्टी मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।